Hi friends, you are very most welcome on Unity Study with Ajay. दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल मैं सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एनटीए की वेबसाइट पर या तो नेट का फॉर्म भरा है या फिर इग्नू का फॉर्म भरा है, जिसका भी एनटीए की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल किया है, सीएसआईआर नेट भी हो सकता है, यूजीसी नेट भी हो सकता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ आपको बिल्कुल एनटीए से रिलेटेड किसी भी नोटिफिकेशन से या किसी भी अपडेट से बिल्कुल अपडेट रहना है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आपको ये इस बात से भी अपडेट रहना है कि नेट का एग्ज़ाम कब होगा, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, उसका नोटिफिकेशन कब मिलेगा, तो भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आप फर्स्ट पेपर को और ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, जेआरएफ निकालना चाहते हो, तो प्लीज़ 100% इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया नोटिफिकेशन, गलत फोटो अपलोड करने पर दर्ज होगा आपराधिक मामला। गलत फोटो अपलोड होने पर दर्ज होगा आपराधिक मामला। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं और मैं आगे पढ़ूँ तो प्लीज़ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ाते हुए लेके चलता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है कोटा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 6 प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हाल ही में एक विशेष नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया है कि यदि परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन में किसी अन्य व्यक्ति का फोटोग्राफ अपलोड करता है तो न सिर्फ परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा अपितु परीक्षार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, इसमें 6 प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूजीसी नेट, जॉइंट सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट जून, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट शामिल हैं। नोटिस के अनुसार उपयुक्त प्रवेश परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 15 जुलाई शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक फीस 15 जुलाई रात 11:50 तक जमा करवाई जा सकती है। ठीक है, तो यूजीसी ने फिक्स कर दिया। पहले क्या होता था कि कुछ लोग दूसरे कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड कर देते थे और उसमें क्या होता था, दूसरा कैंडिडेट ही एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता था। लेकिन अब एनटीए ने क्या किया, बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है कि यदि कोई कैंडिडेट किसी दूसरे कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड करके उससे एग्ज़ाम दिलवाता है तो वहाँ पर दोनों के प्रति कार्रवाई की जाएगी, उस कैंडिडेट के लिए जो वो एग्ज़ाम दे रहा है जिसका फोटोग्राफ लगा हुआ है, और दूसरे उस कैंडिडेट के जिसका वो काम कर रहा है। ठीक है, हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। देखो परीक्षा केंद्र परिवर्तित करने की सुविधाएं, COVID-19 के कारण उत्पन्न आपात स्थिति के चलते आवागमन में हो रही असुविधाओं को देखते हुए एजेंसी ने परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान की है। एक्सपर्ट ने बताया कि जारी किए गए नोटिफिकेशन में परीक्षार्थियों को फोटोग्राफर सिग्नेचर अपलोडिंग निर्धारित मानकों के अनुसार अपलोड करने की सलाह दी गई है, क्योंकि फोटोग्राफ यदि निर्धारित मानकों के अनुसार अपलोड नहीं किया गया तो फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा। ठीक है, परीक्षार्थियों को फोटोग्राफ अटेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है किंतु फोटोग्राफ 1 सितंबर 2019 के बाद का होना आवश्यक है।
ये भी ध्यान रखना, आपका जो फोटो है 1 सितंबर 2019 के बाद का ही होना चाहिए। यदि आपका फोटो इससे पहले का है तो प्लीज उसको आप 15 जुलाई से पहले पहले उसको चेंज कर दो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो आपका एडमिट कार्ड है वो रुक जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफ कर परीक्षार्थी का नाम, फोटो खिंचवाने की तारीख, तारीख का स्पष्ट रूप से अंकित होना भी आवश्यक है कि आपका जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर परीक्षार्थी का नाम होना चाहिए, फोटो खिंचवाने की तारीख का स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है कि जो आपका फोटोग्राफ है उसके ऊपर आपका नाम भी होना चाहिए और वो फोटो आप कब खिंचवाए थे वो तारीख भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अगली बात के ऊपर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक और मौका। ठीक है, नए पात्र डेंटल विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसिल बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 जुलाई रात 11:55 तक जारी रहेगी। काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करने की प्रक्रिया 10 जुलाई शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी। गौरतलब है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन नई दिल्ली के द्वारा हाल ही में 3 जुलाई को देशव्यापी मेडिकल डेंटल संस्थानों के डेंटल पीजी पाठ्यक्रम एमडीएस के प्रवेश के लिए कट ऑफ परसेंटाइल को कम कर दिया गया। इसके कई नए डेंटल विद्यार्थियों को पीजी डेंटल पाठ्यक्रम एमडीएस में प्रवेश पात्रता हासिल की है। ठीक है, तो ये था एनटीए का न्यू नोटिफिकेशन। देखो इसमें मेरे को सबसे बड़ी गड़बड़ लग रही है एक, कि ये जब करवाना ही था एनटीए को कि जो उसका फोटोग्राफ है उसके ऊपर डेट लिखवानी है, उसका नाम लिखवानी है, तो ये पहले वो नोटिफिकेशन में डाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं डाला नोटिफिकेशन में और किसी भी कैंडिडेट ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें एनडीए वालों की गलती है, उन्होंने पहले से ढंग से सिस्टम नहीं बनाया। अब सभी कैंडिडेट्स को दोबारा से फॉर्म रीओपन करना होगा, फिर उसमें डेट और ये चेंज करना होगा। तो प्लीज़ आपने यदि अभी तक डेट चेंज नहीं, आपकी जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर आपका नाम कंपलसरी होना चाहिए और उसके ऊपर आपकी जो फोटो खिंचवाने की डेट है वो कंपलसरी होनी चाहिए। यदि ये दोनों नहीं है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड नहीं डाला जाएगा और आप एग्जाम से वंचित हो सकते हो। तो प्लीज़ यदि आपका फोटो के ऊपर नाम नहीं है, डेट नहीं है, तो 15 जुलाई से पहले पहले आप उसको चेंज करें, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बाय चांस आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो बहुत बड़ी दुख की बात होती है। ठीक है, और यहां पर देखो एक शब्द लिखा है इन्होंने, वापस जूम कर रहा हूं, COVID-19 के कारण उत्पन्न आपात स्थितियों के चलते आवागमन में हो रही असुविधाओं को देखते हुए एजेंसी ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान की है। तो भाई लोगों, जब एनटीए ने COVID-19 की वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनके परीक्षा केंद्र परिवर्तित कराने के लिए ये एक सुविधा दे दी, तो इससे हमारे डायरेक्टली पता चलता है कि ये एग्जाम पहले होगा, क्योंकि यदि दिसंबर तक का हम कह नहीं सकते, लेकिन उससे पहले होगा, सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम 100% हो जाएगा। तो बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करें, मेरे चैनल के साथ जुड़ें, फर्स्ट पेपर में आपका इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा कि आप 100% 70% प्लस मार्क्स लेके आओगे। 35 क्वेश्चन आप 100% सही करोगे और वो भी बिना ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो कि हम सर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, मेरा एक खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका टारगेट है केवल JRF, नेट टारगेट है नहीं उस व्हाट्सएप ग्रुप का, वो व्हाट्सएप ग्रुप केवल JRF के लिए। और आपको यदि JRF निकालना है और यदि आप ज्योग्राफी से हो और या फिर नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 70% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें जिसके जो कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ फोटो को चेंज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।